हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। कंपनीज ने आईपीओ के रूल को, जो नया रूल आया था, उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। रत्नावीर आईपीओ में अलॉटमेंट एंड अमाउंट अनब्लॉक, जिसको भी अलॉटमेंट नहीं मिला वो 3 दिन के अंदर ही हो गया था। आगे बात करेंगे इसके ऊपर। अभी देखते हैं कि यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड का एसएमई आईपीओ ओपन हो गया आज। आपको अगर नहीं पता तो मैं शेयर कर देता हूं कि आज 4 आईपीओ ओपन हुए हैं, 1 मेन बोर्ड और 3 SME IPO। इन चारों में से 3 के ऊपर वीडियो तो ऑलरेडी आ चुकी है, उनमें क्या करना है, अप्लाई करना या नहीं, वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अब बात करते हैं 4th IPO की। वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इन चारों में कैसे फंड को मैनेज करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा। तो कंपनी का नेम है यूनी हेल्थ कंसल्टेंसी सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है। इंडिया में ये मुंबई में अपना सर्विस देते हैं एंड आउट ऑफ इंडिया में ये मेनली अफ्रीकन कंटिनेंट में काफी सारी कंट्रीज में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनके बिजनेस में मेडिकल सेंटर, हॉस्पिटल्स, कंसल्टेंसी सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल वैल्यू ट्रेवल का है। इनके 2 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है 120 बेड कैपेसिटी के साथ। एक तो युगांडा के अंदर है, UMC विक्टोरिया हॉस्पिटल, एंड सेकेंड वन 80 बेड कैपेसिटी के साथ नाइजीरिया के अंदर है। साथ ही ये 300 प्लस बेड फैसिलिटी के साथ पुणे में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा हमें आइडिया लग चुका है कि इनका जो बिजनेस है वो हेल्थ केयर सेगमेंट का है। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है, बिजनेस कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है वो चेक कर लेते हैं। एसेट्स यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, 58.38 करोड़ से 78.33 करोड़ हो गए थे 2 साल के अंदर ही। रेवेन्यू देखिए तो 2021 के अंदर 28.63 करोड़ के थे, देन 2022 के अंदर 37.92 करोड़ हो गए, एंड उसके बाद 2023 के अंदर 46.03 करोड़ के रेवेन्यू हुए। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे ग्रोथ हुई है 30% की और इधर हुई है ग्रोथ 20% की। प्रॉफिट की बात करें तो 2021 से 2022 के अंदर डिक्रीज हुए थे, पहले 5 करोड़ के थे, फिर घटकर 3.82 करोड़ के हो गए, एंड उसके बाद 2023 के अंदर कंपनी ने 7.68 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। रिजर्व या सरप्लस कंपनी के पास 26.12 करोड़ के है, एंड वहीं बोरिंग्स कंपनी के ऊपर 39.26 करोड़ की है। तो ओवरऑल बिजनेस ग्रो कर रहा है एंड ग्रोथ भी सही कर रहा है। ये आईपीओ ओपन 8 सितंबर से 12 सितंबर तक रहेगा। प्राइस बैंड 126 से 132 रुपीज पर शेयर का फिक्स किया गया है। एक लोट के अंदर 1000 शेयर है तो एक लोट की वैल्यू बन गई 1,32,000 की। टोटल इशू का साइज 56.55 करोड़ का है एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। ये पॉजिटिव है इस आईपीओ का, एक तो साइज काफी अच्छा है एंड पूरा का पूरा भी है फ्रेश इशू। जनरली ऐसे में आईपीओ का साइज जो होता है ना वो 20-30 करोड़ के आसपास रहता है। अगर हम इनके मार्केट मेकर्स की बात करें तो वो है रिखाव सिक्योरिटीज। आईपीओ रिजर्वेशन के अंदर QIB के लिए 50%, HNI के लिए 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए 30% अलॉट किया गया है। इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं। ये अपने 2 हॉस्पिटल जो अभी आपको मैंने बताए थे, एक युगांडा के अंदर और एक नाइजीरिया के अंदर, उनमें कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट है एक्सपेंशन की रिगार्डिंग, वहां फंड का यूज करेंगे। एंड इनकी एक सब्सिडरी है बायो हेल्थ लिमिटेड जो तंजानिया में है, वहां भी एक्सपेंशन में यूज होगा। तो बेसिकली ये अपने फंड का यूज एक्सपेंशन में करने वाले हैं, जिससे फ्यूचर में इनकी ग्रोथ होगी। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। टाइम टेबल देखे तो ओपन फ्राइडे 8 सितंबर को होगा एंड क्लोज 12 सितंबर को जाएगा। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 15 सितंबर को, रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 18 सितंबर को, एंड शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे 20 सितंबर को। लिस्टिंग इस आईपीओ की होगी 21 सितंबर को। आईपीओ में 2 न्यू रूल आए थे अभी लास्ट मंथ में, वो मैंने इस वीडियो में कवर किए थे। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि अब आपकी आईपीओ एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है। कंपनी ने रूल्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि रत्नावीर आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट एंड फंड कल 7 अगस्त को ही आ गया था, जो कि पहले 12 अगस्त तक होने वाला था। इसका मतलब कंपनी ने T+3 के रूल को एक्सेप्ट करना चालू कर लिया है, तो ध्यान रखना इन रूल्स का। एंड ऐसी सभी स्टॉक मार्केट की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे, उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो। आईपीओ रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ पे बायबैक, स्प्लिट शेयर, बोनस शेयर, डिविडेंड शेयर जैसे सारे स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाती है, तो सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। चलिए फिर आप देखते हैं कि आईपीओ का GMP क्या है और हमें क्या प्लानिंग फॉलो करनी है। इस आईपीओ का GMP चल रहा है 30 रुपीज का, सो रफली ये बन जाता है 22% के करीब। प्रीमियम अभी ठीक ठाक लग रहे हैं, 20% के ऊपर ये रहे तो अच्छी बात है। इसके ऊपर हमें नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर इसके प्रीमियम में डाउनफॉल हुआ तो फिर हमें इसे अवॉइड करना पड़ सकता है। वैसे भी अभी 4 IPO ओपन है, 1 मेन बोर्ड के अलावा 3 SME IPO भी है।
सभी के ऊपर वीडियोस बन गई है, सबको देख लेना। भी जिनके पास भी फंड कम है उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है मेन बोर्ड को। उसके बाद जो तीन ऐसे में बचे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा साइज इस आईपीओ का है, बट इसकी प्रीमियम सबसे कम है। अगर प्रीमियम देखे तो तीनों ऐसे में आईपीओ में प्रायोरिटी पे जाएंगे मैसन वेल्स होना चाहिए। वहीं अगर अलॉटमेंट के चांस ज्यादा किसमें रहेगा वो देखे तो प्रायोरिटी बनेगी यूनी हेल्थ आईपीओ की। अब सोचना आपको है कि आपको क्या चाहिए। दो केस बनते हैं। फर्स्ट वन इज प्रीमियम नॉर्मल से रहे 20-30% के और अलॉटमेंट के चांस ज्यादा रहे। एंड सेकंड केस में प्रीमियम हाई रहे 50-80% के एंड अलॉटमेंट के चांस काफी कम रहे। चॉइस आपकी है। बाकी आपको सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्या प्रीमियम चल रहे हैं, क्या सब्सक्रिप्शन चल रहा है, आपको हर एक अपडेट वहां शेयर कर दी जाती है। एंड ध्यान रखना ये सब बातें जिनके पास फंड कम है ना उनके लिए हो रही है। अगर आपके पास फंड का कोई इश्यू नहीं है तो आप जो भी अच्छा आईपीओ है जिसमें 20% से ऊपर का प्रीमियम चल रहा हो उसमें बिंदास होकर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो 99% नेगेटिव में लिस्ट नहीं होंगे। तो मैंने आपको पूरी प्लानिंग शेयर कर दी है, जिनके पास फंड कम है उन्हें क्या करना है और जिनके पास फंड सफिशिएंट है उन्हें क्या करना है। वीडियो में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। लाइक एंड शेयर करने में कंजूसी मत किया करो यार। कुछ भी पॉइंट अभी भी आपके माइंड बचा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे किसी और इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।